में सीबीआई दफ्तर के बाहर सुबह से धरना, नारेबाजी, शक्ति प्रदर्शन, बयानबाजी जारी रही, क्योंकि सीबीआई ने दिल्ली के शराब घोटाले केस में पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को बुला लिया था। दिल्ली पुलिस ने पहले आम आदमी पार्टी के समर्थकों को सीबीआई दफ्तर के सामने से हटने को कहा और नहीं हटने पर उन सबको हिरासत में ले लिया। सीधे सीधे ये गुजरात इलेक्शन में हार की हताशा है। उनके गांव में जाके जांच कर ली, बैंक का लॉकर चेक कर लिया, वहां से एक झुनझुना मिला बच्चे का, और फिर भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की तैयारी। मनीष सिसोदिया जी गुजरात के अंदर परिवर्तन यात्रा में लगातार अलग अलग उनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें घूम रहे हैं। उनका आगे का स्केड्यूल पूरा का पूरा तैयार था, बीजेपी को इसकी पूरी की पूरी सूचना है, और इसीलिए जो है उनको अरेस्ट किया गया है। आप देखिएगा, अभी मनीष सिसोदिया जब तक गुजरात के चुनाव नहीं होते तब तक वो जेल में रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का खौफ है, जिसकी वजह से जो आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के मनीष सिसोदिया जी के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, उनको जेल में डाल दिया। इससे पहले सुबह सुबह मनीष सिसोदिया ने तैयारी शुरू कर दी। वो घर से टीका लगाकर माता जी का आशीर्वाद लेकर निकले। राजघाट में बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। पार्टी दफ्तर गए, फिर रैली की शक्ल में सीबीआई दफ्तर तक पहुंचे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को आज का भगत सिंह बता रहे थे। सिसोदिया कह रहे थे कि गुजरात में चुनाव प्रचार रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, इसीलिए बीजेपी घबरा गई है, इसीलिए बीजेपी डर गई है, और इसीलिए झूठे केस मेरे ऊपर करवा के मुझको जेल में डालना चाहती है। ये जश्न भ्रष्टाचार है, दिस इज ऑलमोस्ट सेलिब्रेटिंग करप्शन। पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए, दलाली कमाइए, और उसके ऊपर जब आपसे पूछा जाए सवाल, जब आपसे सवाल पूछताछ किया जाए तो आप जश्न मनाइए। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए फूल माला डाले हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई किला फतेह करके वापस आ रहा है। एक महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। गुजरात से लेकर दिल्ली तक सुबह से ये सारी सियासी तिकड़मबाजी दिल्ली शराब घोटाले के आरोपों और जांच पर हो रही थी। इसी घोटाले के केस में सीबीआई ने सिसोदिया के घर छापेमारी की थी, सिसोदिया से पूछताछ की थी, उनके बैंक लॉकर तलाशे थे। इसके बाद शराब घोटाले के बाकी आरोपियों से पूछताछ की, कुछ सबूत, कुछ दस्तावेज बरामद किए। इन्हीं बयानों और सबूतों में हुए खुलासों की सच्चाई पता लगाने के लिए सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था। सीबीआई को कुछ मौलिक सवालों के जवाब चाहिए, जैसे विजय नायर को जानते हैं, शराब नीति बनाने में वो क्यों शामिल था? बतौर मंत्री आपको नहीं लगा था कि नई शराब नीति से राजस्व घटेगा? शराब कारोबारियों की 12% कमाई में से 6% किसे मिलता था? नई उत्पाद नीति के बाद चुनिंदा शराब कारोबारी ही धंधे में क्यों शामिल थे? शराब कारोबार को लेकर तेलंगाना के राजनेता से कोई मुलाकात हुई थी? मनीष सिसोदिया से सीबीआई के ये सवाल इसलिए पूछ रही थी क्योंकि सीबीआई को सबूत मिले थे कि शराब कारोबारियों को मिले 12% मुनाफे में से आधा मुनाफा यानी 6% मुनाफा सरकार तक पहुंचता था। आप याद करिए, नवाब मलिक जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय रावत जी, ये सारे लोग इसी प्रकार से अपने घरों से निकले थे। आप याद करिए, जब नवाब मलिक के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और जो अपने घर से वो निकले थे तो उनका भी टीका लगाया गया था।
संजय राउत जी का भी इसी प्रकार से विदाई की गई थी। और तो और सत्येंद्र जैन जी को तो भारत रत्न मिलना चाहिए, इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने उनका स्वागत किया था। मगर इनमें से कोई भी व्यक्ति जेल से बाहर नहीं आ पाया, हर व्यक्ति आज जेल में है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 2021 में नई उत्पाद नीति लागू की थी, इसे लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव ने अनियमितता के सवाल उठाए थे और दिल्ली के उपराज्यपाल से शिकायत की थी। आरोप लगे थे कि नई नीति से शराब कारोबारियों को मुनाफा, सरकार का राजस्व घटा, चुनिंदा शराब कारोबारियों को गैर कानूनी रूप से छूट दी गई, मनमाने तरीके से शराब कारोबारियों के करोड़ों रुपए माफ कर दिए गए। नई शराब नीति को लेकर उठाए गए सवालों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने उस नीति को रद्द कर दिया और पुरानी नीति फिर से लागू कर दी। इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त को मनीष सिसोदिया और 14 अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी थी। सीबीआई के अलावा प्रवर्तन निदेशालय ने भी सितंबर महीने से इस केस में जांच शुरू की। विजय नायर को सीबीआई ने जबकि शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। शुभांकर मिश्रा, पंकज जैन, सुशांत मेहरा, अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।